नारद सुनो महाराज भीष्मक, ये तुम्हारी बेटी जो है साक्षात देवी है और तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना है महाराज भीष्मक कि हमारे घर पे कृष्ण दूल्हा बन करके आए, तो महाराज भीष्मक देव ऋषि नारद के पैरों में गिर गए और कहने लगे महाराज हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा अगर कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन करके आ गया। बहुत खुश हुए महाराज भीष्मक। अरे खुश किसी छाई गई नारद के पैरों में गिर पड़े। मेरे भैया नारद तो वहां से चले धीरे धीरे, समय बीतता चला जाता धीरे धीरे। रुक्मिणी से वो थोड़ी सयानी हुई, समझदार हो गई। तो
एक दिन की बात है, रुक्मिणी अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी सखियों के साथ। तभी क्या देखा, दरवाजे से एक ब्राह्मण देव निकल करके गए। अब ब्राह्मण देव कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि व्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। ब्राह्मण जी गाते हुए जा रहे थे, रुक्मिणी ने जब सुना है कि भगवान इस भूतल पर अवतार धारण कर चुके हैं, तो रुक्मिणी उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम रटती रहती है। इस सोच में लगी बिटिया में और जीवन दिन व्यर्थ हो रे। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कि भगवान इस भूतल पर अवतार धारण कर चुके हैं और हम अपनी जिंदगानी को यूं व्रत में बिता रहे हैं। रुक्मिणी उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। उठते बैठते चलते सोते जागते भगवान का नाम रटती रहती। सखियों के साथ में बैठ जाती है तो भगवान की चर्चा करने लगती है।